नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। फिर मिला वन विभाग को बड़ी कामयाबी, लकड़ियों के खेप पर की गई कार्रवाई। वन परिक्षेत्र लोरमी के द्वारा अवैध लकड़ियों की खेप पर कार्रवाई की गई, जिसमें 77 नग हल्दू की इमारती लकड़ियां जब्त की गई है। लोरमी वन परिक्षेत्र के नवनियुक्त रेंजर के द्वारा लगातार कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मची हुई है। इस संबंध में निखिल पैकरा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लोरमी वन परिक्षेत्र के गोदाम रानी डेरा है, जहां आरोपी अर्जुन भट्ट ग्राम रानी डेरा के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया, जिसके बाद दल बल के साथ आरोपी के घर दबिश देकर छानबीन की गई, जहां 77 नग हल्दू की इमारती लकड़ियों के चिरान जब्त किए गए। कल जानकारी के आधार से सर्च वारंट जारी किया गया था। इसमें अर्जुन भट्ट करते हैं आरोपी, निवासी रानी डेरा, जिसके घर पर छापा मारा गया, जिसमें 77 नग हल्दू की चिरान जब्त हुई है, जिसका मूल्य लगभग 5,000 रुपये है। और इसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या इसमें से चलानी कार्रवाई की जाएगी कि कुछ फाइन वगैरह जुर्माना पटा किसमें छोड़ दिया जाएगा? इसमें क्योंकि अमाउंट बहुत कम है, तो इसमें जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें आरोपी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, अगर वह नहीं पटाता है तो चलानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लकड़ियों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेंजर निखिल पैकरा ने बताया कि जब्त लकड़ियों की कीमत शासकीय दर में ज्यादा नहीं होने के कारण आरोपी के खिलाफ जुर्माना भरवाने की ही कार्रवाई की जाएगी। अगर आरोपी के द्वारा जुर्माना राशि नहीं दी जाती है तो उसके खिलाफ चलानी कार्रवाई की जाने की जानकारी दी गई। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।